में कर्बला, आज मैं उसके मसाई पढ़ूंगी जिसका नाम मुस्लिम बिन अकील है, और उसके बच्चों के मसाई आज मैं पढ़ूंगी जो कि परदेस में अपने बाप से बिछड़ गए थे। ज़दारो, यहाँ मुस्लिम हुसैन के सफ़ीर बनकर चले थे, और जब यजीद ने इनके कत्ल का हुक्म दिया था ना ज़दारो, तो मुस्लिम तड़प गए थे कि अब मेरे मौला हुसैन को मैं कैसे कहूँ कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि लोग इनके खून के प्यासे हो गए हैं। ज़दारो, एक मर्तबा जब मुस्लिम के पास कोई ना था, ना बच्चे थे और ना कोई ठिकाना था जहाँ मुस्लिम रहते हैं, ज़दारो, एक हुजरे का दर मुस्लिम ने खटखटाया और वहाँ से एक औरत ने मुस्लिम को पना दी। मुस्लिम जानते थे ये इनकी आखिरी रात है, वो रात उन्होंने इबादत में गुजारी ज़दारो, और जब सुबह हुई है ना, तो जब दुश्मन उस औरत के दर पर आए हैं ना, तो वो औरत रो कर कहती है कि मौला, अब मैं बहुत मजबूर हूँ। एक मर्तबा मेरा मुस्लिम कहता है कि तू परेशान ना हो, मुस्लिम के होते हुए तुझे कोई तकलीफ़ ना होगी। एक मर्तबा मुस्लिम ने अपनी तलवार निकाली और बाहर आ गए। ज़दारो, बहुत से दुश्मनों को वासिल जहन्नुम किया, लेकिन एक अकेला मुस्लिम कहाँ तक लड़ता भला, और एक शकी ने ऐसा वार किया कि इस मुस्लिम के लब कट गए, और आखिरी वक्त मुस्लिम ने कहा मुझे पानी पिला दे, तो वही ज़ईफ़ा एक पानी भर कर लिया एक जाम में, लेकिन जब मुस्लिम ने उस पानी को पीना चाहा, तो उसमें उनके लहू के कतरे टपक गए। एक मर्तबा मुस्लिम कहते हैं अब हमें सानी सहारा ही सैराब करेंगी। आज़ाद करो, मुस्लिम को लेकर चले यजीद के दर पर आए। एक मर्तबा मेरा मुस्लिम कहता है तुमने मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मेरा एक काम ज़रूर कर दो कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को दफना देना, और मेरे मौला हुसैन को पैगाम दे देना कि वो यहाँ ना आए। मसादारो, रावी बयान करता है कि जब मुस्लिम का सर तन से जुदा हो रहा था ना, अरे फातिमा जहरा, अरे मुस्लिम के गले पर हाथ रख कर कहती है ना मारिए, मेरा हुसैन का सफ़ीर है। ज़दारो, मुस्लिम का सर तन से जुदा किया, हाँ उस पर भी बस नहीं किया ज़दारो, उस पर भी बस नहीं किया ज़दारो, मुस्लिम ज़दारो, मुस्लिम का सर काट कर पैकर मुस्लिम को कोठे से फेंक दिया, और कहते हैं कि अगर हुसैन का किसी ने साथ दिया तो उनका यही हाल करेंगे। अरे कोठे के तले फेंक दिया पैकर मुस्लिम, यहाँ पे भी बसना गया मुस्लिम के जिस्म को कूफे की गलियों में घुमाया गया ज़दारो, कि जब बाते शहादत हुसैन ये काफिला असीर हो, कि जब कूफा चला है ना, जब कूफा पहुंचा है ना, अरे एक कूफे के दर से आवाज़ आती है ए बीबी मेरा सलाम हो। एक मर्तबा तड़प कर देखती है कि किसी का लाशा कूफे के दर पर लटका है। एक मर्तबा तड़प कर कहती है कौन है जो आलम बेकसी में मुझ पर सलाम देता है। एक मर्तबा तड़प कर कहते हैं बीबी मैं मुस्लिम हूँ। अरे मेरी बीबी ने सरो सीना पीट कर कहा क्या कूफे में लोगों को दफनाने का रिवाज नहीं। हाय मेरे भैया मुस्लिम। ज़दारो, मुस्लिम की ज़ौजा कहती हैं ए वाली मुझे बताओ मेरे बच्चे किधर है, ए वाली मुझे बताओ मेरे बच्चे किधर है।
मजेदारू अब इन बच्चों का अहवाल सुनिए कि जब ये नन्हे नन्हे बच्चे कैद में थे ना, एक मर्तबा उन बच्चों ने एक दरबार को बुला कर कहते हैं, क्या तू रसूल का मानने वाला है? कहते हैं हाँ। कहा हम उस रसूल के मुहे पहले बैत में से हैं। एक मरतबा सरोसीना पीट कर कहता है, मुझे नहीं मालूम था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको आज़ाद करता हूँ। मरतबा नन्हे नन्हे बच्चे अपने बाप को ढूंढने चले। हजादारों पत्ता भी हिलता था तो बच्चे डर जाते थे। एक मरतबा जब एक बड़े बच्चे एक दरख्त के तने के पीछे छुपे हुए थे तो देखते हैं कि एक औरत नहर से पानी भरने आई है। और जब उस औरत ने देखा कि पानी के अंदर एक अक्स झिलमिला रहा है जैसे दो चौदहवीं के चांद हैं, एक मरतबा कहती है, बच्चों डरो नहीं, आ जाओ। एक मरतबा वो बच्चे आकर कहते हैं, हम परदेसी हैं, हमारे पापा हमसे कहीं छूट गए हैं, तो हमने पर इतना एहसान कर दे, अपने घर में थोड़ी जगह दे दे। हसनदारों वो लेके चली मुस्लिम के बच्चों को, अपने घर में पना दी, खाना खिलाया। असादारों वो औरत कौन थी? वो हारिस मलाउन की बीवी थी। असादारों वो बल्ले औरत कहती है कि मेरे बच्चे तुम लोग शोर मत करना, अगर मेरे शोहर को पता चल गया ना तो तुम नहीं छोड़ेगा। हसन दारा ने मजलूम में करबला, इतने में हारिस मलाउन आया, अरे बहुत गुस्से में था। कहता है मुस्लिम के बच्चे नहीं मिलते, अगर वो मिल जाएं तो उनका सर काट कर मैं बहुत सी दौलत कमाऊंगा। हसन दारो इतना कहकर हारिस मलाउन सो गया। इधर नन्हे नन्हे बच्चों की आग लगी तो देखते हैं ख्वाब में भाभा आए हैं और कहते हैं, बेटा अब बहुत जल्द तुम हमारे पास आ जाओगे। असादारों ने मजलूम में करबला, बच्चों के रोने से गिरिया बुलंद हुआ। इधर हारिस मलाउन की आँख खुली, कहता है शोर कैसा है। सोचा कहती है, नहीं वहम है तुम्हारा। एक मरतबा हारिस मलाउन उठा, उसने हुजरे में जाकर देखा एक नन्हे दो बच्चे आपस में रो रहे हैं। असादारों पूछता है, तू कौन है? कहा हम पेशराने मुस्लिम हैं। एक मरतबा बच्चों को जुल्फों से पकड़ कर बाहर लाया। हजादारों जितने तमाचे सकीना ने करबला से शाम शाम तक कूफा खाए है ना, उतने ही तमाचे मलाउन ने घर से दरिया तक पिसराने मुस्लिम को मारे हैं। हजादारों पिसराने मुस्लिम को मारे हैं। हजादारों नन्हे नन्हे बच्चों को बिठाया और कहता है कि तेरा सर काट कर इनाम लूंगा। वो बच्चे कहते हैं, हमारी जुल्फे तू बेच दे, हमारी जुल्फे काट के तू बेच देगा तो भी तुझे बहुत सही दौलत मिल जाएगी। एक मरतबा कहता है, नहीं मैं तेरे सर से ही कीमत वसूल करूंगा। अजादारो नन्हे नन्हे बच्चे दिल पर हाथ रख कर सुनना। एक सबसे पहले उसने एक बड़े लड़के को बिठाया, उसके सर को काटा और नहर में फेंक दिया। अजादारो नहर में वो लाश डूबती नहीं है, ऐसा लगता है अपने भाई का इंतजार कर रही है। एक मरतबा जब भाई ने देखा ना कि उसके भाई का खून पड़ा है, हारिस से कहता है, हारिस इतनी इजाजत दे दे, मैं अपने भाई के खून में हो जाऊं। असादारो उस खून में तड़पने लगा, कहता है, भाई अभी तो तुम हमारे बराबर में बैठे हुए थे, अब तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। असादारो हारिस मलाउन कहता है, जल्दी कर, वक्त हुआ है, और दूसरे बच्चे का जब सर काट उसको जब नहर में बहाया
अरे दोनों भाइयों की लाशें बगल की हुई। हसादारो उस पर भी उस मलाउन ने बस ना किया। क्या किया हसादारो कि जब उसको लगा है ना कि शायद इन भाइयों की लाशों में हरकत हुई है, उसने तीर कमान उठाया। अरे त्रुकैया की जोड़ी पर तीर चलाना शुरू किए। हाय मलाउन, तू साहिब औलाद ना था। अजादारो अजादारो उसी दरिया में दो हाथ बुलंद हुए। अरे आवाज आती है, आ जाओ मेरे बच्चों, अरे मेरे मुस्लिम के यतीमों, आ जाओ मेरे बच्चों, मुस्लिम के यतीमों। अलानतुल्लाह अला कौमुज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।